कैसे आप लोग, और स्वागत है आपके बहुत लंबे समय के बाद एक व्लॉग में। एक्चुअली 3 महीने से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है, कुछ रीजन थे जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और एक अच्छा न्यूज़ है जो शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। सो यार, इतना दिन हो गया व्लॉग किए कि आप कैमरा की तरफ देख के रिकॉर्ड, मतलब वही जो सबसे पहले ओपननेस रहता था और थोड़ा हेजिटेशन रहता था बोलने में, वो भी हल्का हल्का है, लेकिन आई गेस आप रेगुलर रह पाऊंगा। सो यार, 3 महीने हो चुके हैं, बहुत बीच में शुरू हुआ, मतलब शुरू से शुरू करते हैं, शुरुआत हुआ हम लोग का आई गेस फरवरी का टाइम था, 9 या 10 बजे तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। एक्चुअली जाना था हमें मछली पार, लेकिन रास्ता थोड़ा नहीं मिल रहा था उतना कुछ, सो हम लोग डिसाइड किए कि दशम फॉल चलते हैं। दशम फॉल गए, वहाँ गए तो वो भी बंद, और ऊपर रास्ता पर शूटिंग किए थे मोटो ब्लॉगिंग, लेकिन वहाँ जाके जब फ़ोन से शूट कर रहे थे और ट्राइपॉड लगाए, तो एक जगह ट्राइपॉड मतलब एक रेलिंग पे लगाए थे और वहाँ से फ़ोन गिर गया नीचे, और गिरा ऐसा कि डायरेक्ट मतलब एकदम नीचे नहीं गिरा, एक दो फ्लोर जितना हाइट से गिरा होगा और पत्थर पे टकरा के गायब, मतलब फ़ोन दिख भी नहीं रहा। हम लोग हालत खराब हो गया, हम लोग रेलिंग से डायरेक्ट कूदने वाले थे पत्थर पे, तब दोस्तों बोला पकड़ाओ मत, हम लोग खुलवाते हैं। एक्चुअली गेट भी बंद था उस टाइम, क्योंकि कोविड के कारण जगह खुला नहीं था उस समय, तो वहाँ गेट बंद था, तो हम लोग एक रास्ता खोजे साइड से उतरने का जगह था, हम लोग गए खोजे 10-15 मिनट तक खोजे, हमको फ़ोन नहीं मिला। मैं हालत ख़राब, क्योंकि फ़ोन में बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ भी था, मेरा बहुत बहुत चीज़ था जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो इसलिए फाइनली हम लोग खोजे एक जगह में, मुझे फ़ोन का कवर मिला। अब फ़ोन का कवर का हालत ऐसा हो चुका था, मतलब वो टूट के बिखर चुका था, और आसपास फ़ोन नहीं था, तो फ़ोन एटलीस्ट इस रूम के जितना जितना चौड़ाई होता दूरी पे, फ़ोन का एक गड्ढा पर घुसा हुआ था। मैं यार देखे हालत खराब होगा कि बचा होगा कि नहीं एक्चुअली फ़ोन, जब फ़ोन उठा के देखे तो उसका पूरा ग्लास आगे मतलब टूट चुका था, मतलब डिस्प्ले था लेकिन पूरा ग्लास ख़त्म हो चुका था। तो हम सोचे उस समय क्या किया जाए, इसी को रिप्लेस करवाया जाए या फिर आगे मतलब इसको रिप्लेस किया जाए। तो दोस्तों बोला कि अभी रुक जा, जब तक चल रहा चला, उसके बाद देखा जाएगा कुछ होगा तो फिर नया ले लिया जाएगा। तो फिर ऐसा हुआ तो थोड़ा मेरे फिर हम ब्लॉगिंग छोड़ दिए कि भाई अभी जब तक फ़ोन ऐसा हाल में फिर एक बार गिरेगा तो कुछ ना हो जाए, तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद भी एकदम कोशिश किया घर में आए, और जब मैं जिम जा रहा था तो सोचा वहाँ पर ब्लॉग करेंगे, ब्लॉग किए। जब एडिट करने का बाद ये आया दूसरा दिन, ये अराउंड मार्च का फर्स्ट वीक का बात है, तो हम लोग मार्च नहीं एक्चुअली हाँ मार्च का ही फर्स्ट वीक का बात है। तो क्या हुआ कि हम लोग गए थे रोशपा टावर, हम लोग को वहाँ से चश्मा लेना था, मतलब मुझे चश्मा लेना था, मैं आयुष गया था। और फिर वहाँ ऐसा हुआ कि एक अंकल पीछे से तो हम चल रहे थे, धक्का दे दिए और हल्का सा हाथ से फ़ोन स्लिप हुआ, पहला मैं वजह से सीधे ज़मीन पर। अब फ़ोन का डिस्प्ले हो चुका था, ख़त्म हो गया था कहानी, ऑन नहीं हो रहा था, तो अब इतना हालत ख़राब हो गया कि क्योंकि अभी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैं हटाया नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि अभी थोड़ी गिरेगा यार, लेकिन किस्मत ख़राब कि 20 दिन में ही दूसरा कांड भी हो गया। तो यार इसके कारण मेरा ब्लॉगिंग छूट चुका था, और जैसे फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, तो उसका बस डिस्प्ले बनाए, और मतलब नकली वाला डिस्प्ले बनाया गया और उसके ऊपर मैंने बेच दिया। तो सब पैसा सेव किया हुआ था कैमरा के लिए, लेकिन वो कैमरा तो हो नहीं पाया क्योंकि फ़ोन लेना था, तो फ़ोन का आधा बजट मेरा 30% बजट में, 70% मम्मी हेल्प की, और लेकिन बोली कि हमको वापस किया जाएगा, मतलब हमारे कि हाँ ठीक है कह देंगे थोड़ा टाइम में, तो सब कुछ हुआ। और ये फाइनली एक फ़ोन लिए, ये है OnePlus 9RT। सो अभी भी इसका बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा से बना रहे, क्वालिटी हमको अच्छा लगा, और थोड़ा टाइम लगेगा ना वो वापस कॉन्फिडेंस लाने के लिए बैक कैमरा के लिए, तो इसलिए। और यही सब कहानी थी कि ब्लॉगिंग क्यों छोड़ा गया। तो जब फ़ोन वापस आ चुका था नया, तभी बहुत जोश था ब्लॉगिंग का, और मैंने अनबॉक्सिंग बनाया था कि वो मम्मी के फ़ोन से बनाया था, मेरी क्वालिटी इतना ख़राब था कि मैंने डाला नहीं। अब आते हैं कि मेरा मतलब अब तो फ़ोन आ चुका था, अब तो मुझे ब्लॉगिंग करना चाहिए था, ट्राइपॉड भी था मेरे पास, लेकिन इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ 2020 में, ठीक है, और उसके बाद था सीन क्योंकि कोविड के कारण, और मेरे पापा नहीं है, तो मुझे दुकान को देखना था, और सब मेरे पास कोई स्टाफ भी नहीं था, तो मैं अकेला देखता था पूरा दुकान। ये कोविड के का टाइम जो 2021 का जो मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया, वो भी इसलिए क्यों कर पाया क्योंकि सुबह को दुकान रहता था, शाम को बंद रखना पड़ता था। फिर अगस्त में जाके नीरज भैया मिले, तो जाके मुझे लगा कि अब समय है कि करियर पे ध्यान दिया जाए। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि MCA कर लो, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि सरकारी जॉब करो या फिर कोई भी जॉब, तो मेरे में पढ़ने का भाई पेशेंस है नहीं और मुझसे पढ़ाई होता नहीं है, तो इसलिए मैंने सर्च किया करना शुरू किया जॉब्स के लिए।
अब मैंने विप्रो में एग्ज़ाम दिया, मैंने टीचर्स में एग्ज़ाम दिया। विप्रो में फाइनल राउंड पहुंच के मतलब ऐसा हो गया था कि पहला बार तो विप्रो का एग्ज़ाम ही मतलब मैं सेकेंड राउंड में निकल गया, मुझसे नहीं हुआ था। फिर कैसे करके थर्ड राउंड तक जब सेकेंड बार पहुँचा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उतना अच्छे से नहीं हुआ। फोर्थ टाइम में हो गया था, लेकिन जब मुझे मतलब वो आया सैलरी वैसी वो था 15,000 कुछ था, 4 साल या 5 साल का बॉन्ड साइन, एक्चुअली 5 साल का बॉन्ड साइन करना था। और वो लोकेशन भी ऐसा था कि यहाँ नहीं, आपको बाहर कोई मेट्रो सिटी में मिलेगा, बैंगलोर चेन्नई या फिर दिल्ली, ऐसा कोई जगह। तो मैंने डिस्कस किया मम्मी लोग के साथ, तो वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि जितना कम सैलरी था ना, सैलरी ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से मैं मुझे भी क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना, मेरे हिसाब से वो सही उतना नहीं था। अब क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा टेंशन था दिमाग में, क्योंकि सब दोस्त मोस्टली दोस्त लोग क्या तो जॉब लग गया था, या कुछ लोग हायर स्टडीज़ कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा वो था ना एंग्जाइटी, और तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगा था कि भाई मेरा क्या होगा, फ्यूचर कुछ है कि नहीं है, बहुत डर लग बहुत डरा हुआ था। क्योंकि भाई लोग जज करते, ये मानो नहीं मानो, आपको एक जॉब चाहिए, जैसे आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ या तो आपको मास्टर्स करना होगा या तो आपको जॉब करना होगा, वरना दुनिया तो इतना गंदा जज करेगा भाई। और बात है दुनिया जज करे वो तो बात का बात है, लेकिन आपको स्टेबल होना पड़ता है। हम लोग का भी जो दुकान है वो इतना कुछ स्टेबल नहीं है कि उसके उससे मेरा आगे का जनरेशन चले या फिर मेरा खुद का लाइफ चले, तो इसलिए तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोई भी जल्दी से जल्दी जॉब लेना है। सेम मैंने पिछले ईयर, मेरी एक दोस्त है उस वो गांधी फेलोशिप में काम कर रही थी, वो ज्वाइन की थी, एक्चुअली 2020 में उसका हो गया था, लेकिन कोविड के कारण उसका 2021 वाले बैच में मतलब काम शुरू करवाया गया। तो मुझे इसके बारे में पता चला था, मुझे जानना था कि ये क्या है, तो पता चला गांधी फेलोशिप एक NPO है, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हर डिस्ट्रिक्ट पे एजुकेशन और हेल्थ पे काम करती है। तो मुझे इसके बारे में हल्का सा आइडिया था, लेकिन जब वो उसका काम शुरू हुआ अगस्त में, तो उसने मुझे हर चीज़ बताया, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे सब कुछ बताया काम कैसे होता है और क्या क्या किया जा सकता है। तो जो काम था मुझे लगा कि मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ आपका एक सोशल वर्क भी है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लर्निंग प्रोसेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्टैक्ट बनाने में बहुत कुछ मिलेगा, और सबसे बड़ा बात है कि आपका अंदर से खुद से ग्रोथ होगा, क्योंकि गांधी फेलोशिप काम नहीं करवाता है, ये लोग बूथ कैंप कंसोलिडेशन करवाते हैं, एक इंटरेक्टिव सेशन बना के रखते हैं, मतलब पूरा जर्नी, और ये सिर्फ 2 साल का होता है फेलोशिप प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कि ठीक है मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए, तो मैंने इस पर अप्लाई किया, और ये मैंने अप्लाई किया था 29th अक्टूबर, मम्मी का बर्थडे के दिन, क्योंकि जब उसका फॉर्म खुला था तो 5 दिन पहले खुला, मैं 29th अक्टूबर 2021 को मैंने अप्लाई किया। इसका कोई अपडेट आ ही नहीं रहा था, जनवरी हो गया, जनवरी में जाके एक अपडेट आया कि अब शुरू होगा प्रोसेस, और मुझे लगा ठीक है मेरे बहुत लेट से आया। और मैं फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ 15 फरवरी को, वो एग्ज़ाम नहीं था, वो सिर्फ एक इंटरेक्टिव सेशन था कि कोई भी एक गांधी फेलोशिप का कोई PL रहेगा या फिर कोई फेलो रहेगा, इसके साथ आपको कौन मतलब इंटरेक्ट करना है, 5-10 मिनट का चीज़ था, वो मैंने किया तो अच्छा से किया। और उसके बाद स्टेप 2 था कि आपका इंटरव्यू होगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, बाद में पता चला उसके लिए आपको एक लॉजिकल एंड रीजनिंग का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपका अलग से एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, और आपको फिर एक PPT बनाना होगा, कुछ एक ग्रुप डिस्कशन होगा। तो सेकेंड स्टेप में 4 प्रोसेसेस थे, तो पहला मैंने PPT अच्छे से बनाया, मैंने सब एक्सप्लेन किया, ग्रुप डिस्कशन में मैंने लीड किया, हम लोग फिर से एक बहुत अच्छा PPT बना के लाए, क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था कि ग्रुप डिस्कशन क्या करना, उसमें हम लोग प्रेजेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाए थे, हम लोग PPT बनाए थे, तो वो अच्छे से हो गया। अब जब आया फाइनल राउंड का बारी, उसी दिन था, किस्मत इतना ख़राब है मेरा कि बता नहीं सकता, पूरा दिन मेरे पास नेट था, ठीक है, मैं सॉरी बैटरी मतलब सॉरी एक्चुअली मेमोरी डाउन आउट हो चुका था। सो यार फाइनल राउंड का बात हुआ क्या कि दिन भर की सुबह आया था, जैसे वो प्रोग्राम था सब कुछ एक ही बार में होना था, तो जब मैंने मुझे लगा था कि नेट खत्म हो सकता क्योंकि सब प्रोसेस ऑनलाइन थे, तो मैंने अलग से 12 GB का ऐड ऑन कर रखा था, क्योंकि मैं डेटा ख़त्म नहीं, और किस्मत इतना खराब, सबका एक एक करके इंटरव्यू हुआ था, हम लोग 6 लोग थे, तो 45 मिनट का सबका इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है, सिंगल राउंड था वो जो लास्ट था। तो किस्मत ऐसा कि मुझे लास्ट मौका मिला, तो मेरा टाइम था 4:30 बजे रास्ता, सुबह 4:30 बजे से बैठे भाई खाना पीने के लिए भी जो टाइम मिला, लेकिन फिर जब 4:30 बजे का बारी आया तो हम सोचे ठीक है प्रिपेयर की सब कुछ। अब भाई इतना ख़राब किस्मत, वो वहाँ उस दिन से जो शुरू हुआ 5 दिन तक एयरटेल का नेटवर्क इतना ख़राब रहा है, इतना ख़राब रहा है यहाँ मैं बता नहीं सकता। मैंने कॉल कनेक्ट किया,
भाई कॉल पे कॉल कट हो रहा है, कॉल पे कॉल कट हो जा रहा है, बीच में मतलब मीटिंग से मैं निकल जा रहा हूँ। मैं तीन चार बार ऐसा हुआ, मैं इतना घबराया हुआ था कि भाई मैं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं तैयार था, क्वेश्चन मैं थोड़ा अच्छे से आंसर कर ही रहा था, लेकिन बाबा मीटिंग से निकल जा रहा है। फिर करके उन लोगों ने समझा, उन लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आंसर दो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो मैं हालत ख़राब था कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन बार बार मेमोरी का इवन सब क्लियर कर लिए। सो यार तो उस दिन क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन मुझे लगा क्योंकि सबका 45 मिनट गया था इंटरव्यू, सबसे मैंने बात किया था 40-45 में, आधा ही घंटा हुआ, मेरा हालत ये था, कम टाइम लगा इंटरव्यू में कि मैं होगा कि नहीं होगा। मैं उस दिन लिटरली रो दिया था मैं एग्ज़ाम देने के बाद, कि डर लगा था इसमें नहीं होगा तो क्या होगा। मुझे एक्चुअली इसमें जाना था, जिसका जैसे इसका प्रोसेस था, जैसे मेरे दोस्त ने बताया था, उसने मुझे बताया कि इसमें कितना अच्छे से काम होता क्या, तो मुझे एक इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना था, मुझे भी बहुत कुछ सीखना था खुद के लिए। तो ऐसा हो गया कि मैं उसमें बहुत हुए, मुझे अंदर से लगा तो मैं होगा नहीं हो, नहीं हो, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो सीन हो चुका था। तो फिर हुआ क्या, एक्चुअली एक महीना बाद 25 अप्रैल, और अब ये क्लिप प्ले होगा। आ गए वहाँ, आ गए हैं, निकाल गए, अच्छी है ना उसको, निकालिए ना कान से, अभी निकालिए, जॉब लग गया। अरे देखो 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 क्या अभी आया नहीं, मतलब मेल आ जाएगा, रिएक्शन दिखाओ करना था। अरे वाह, पापा को प्रणाम किया? हाँ किए, हाँ मैं भी कर लिया। मनोहर भाई को फोन किए थे, मनोहर भाई को मतलब मैसेज किया था, तो बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, सर पता ना घर में बताना मम्मी मम्मी को, बोलता आजा हो गया, तुम मार्क्स के साथ बता दे थे, तो मार्क्स देखा तो 40 मार्क्स का एग्जाम था, तो 32 आया उसमें, मतलब फाइनल एग्जाम में 40 मार्क्स का एग्जाम भी था, 40 पास ना ही तो 40 में, हाँ हाँ बता सकते, मतलब अभी सोचे कि ऑफर लेता आ जाता तो बाहर बताते, अभी घर में सबको बता सकते। हाँ 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 खाइए, आपके लिए आप पूरा खाइएगा, आज हमने खाएंगे, हम ले आए सबके लिए। अरे बापा, अरे बापा रोई ले, अरे हो गया बापा, उठाई कि नहीं उठाई, अरे सही में इसका हो गया। सो आपने वो क्लिप देखी थी, अभी एक लड़का, एक सॉरी गलत, एक कोई भी लड़का है लड़की, उसके लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब उसका कोई अचीवमेंट रहता है, और उस अचीवमेंट के कारण आपके माँ बाप के आंखों में आंसू आते हैं। सो ये मैं ज़िंदगी का बहुत अच्छा मोमेंट भी था, लेकिन फॉर द सेम टाइम तो बहुत अधूरा मोमेंट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मम्मी तो थी लेकिन पापा नहीं थे देखने के लिए, बहुत अभी जा भी है तो ऊपर से देख ही रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं पापा शुरुआत से हमेशा से उनका एक सपना था, मुझे जब भी होता ना सब बोलते हैं 10 के बाद ऐश ही ऐसे, 12 के बाद ऐश ही ऐसे, मैं पापा सेम थे, ये कह लो वो कह लो, उसके बाद ऐश ही ऐसे, तो वह सीन था। तो पापा का एक सपना था हमेशा, तो बोलते थे कि वो तुम्हारा 9 से 5 वाले जो लोग होता है ना ऑफिस लोग वाले काम करते हैं, 9 से 5 काम करते हैं, मुझे देखना है कि तुम उसमें कैसे दिखोगे, कितना अच्छा तुम्हारा फ्यूचर होगा, क्योंकि हम लोग के मेरे पापा बिजनेसमैन थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन घुसूँ। तो यार अधूरा मोमेंट था, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा उस दिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा था एक्चुअली। बहुत बड़ा थैंक यू मनोहर भैया को, एक्चुअली मनोहर भैया थे जो हम लोग को कंडक्ट करवाए थे कैसे क्या क्या क्या, क्या मतलब स्टेप्स होंगे। तो उस दिन क्या हुआ, मुझसे रहा नहीं किया, 10-15 दिन हो चुका था, मैंने कॉन्टैक्ट किया मनोहर भैया को कि मनोहर भैया ऐसा ऐसा है कि कब तक आएगा रिजल्ट, मुझे कुछ पता नहीं है, बोला गया था 10 दिन में आ जाएगा।
तो भैया बोले कि हाँ ऐसे रुको मैं देख के बताता हूँ एक मिनट। फिर भैया बोले अच्छा हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मेरा हालत ख़राब, मतलब मैं बॉडी से मिल चुका था। मैं सर पक्का ना, क्योंकि मुझे ये न्यूज़ घर में बताना है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कुछ हो जाए। मैंने रुको 40 मार्क्स का वो एग्ज़ाम था, मैं देख के बताता हूँ कितना आया तुम्हारा। फिर भैया ने बताया कि मैं 32 मार्क्स आया है, और जो हमारे छः लोग का ग्रुप था उसमें 5 लोग का हो चुका, एक का नहीं हुआ, वो कोई एक लड़की थी। और मैं इतना खुश हुआ, इतना ज़्यादा, मुझे पता नहीं था कि मुझे ये रिएक्शन, मुझे ये न्यूज़ मिलने, मुझे तो लगा था कि भैया बताएंगे कि हाँ अब न्यूज़ आएगा, ये 1-2 दिन में आ गया, 1 हफ्ता बाद आएगा। ऐसा हुआ कि मुझे रिकॉर्ड करने का ध्यान नहीं रहा, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा, मतलब मैं सबसे पहले गया, मैं मंदिर वासी था, मैंने भगवान को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, मैं हनुमान मंदिर गया और मैं जो प्रसाद था वो लेके आया। उसको इससे पहले जो आपने क्लिप देखा वो आपने लिख ही दिया होगा। मेरे लिए ये लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि मैं फाइनली मुझे जॉब मिली। तो यार बेसिकली अगर मैं सिर्फ गानी फ्रेशिप के बारे में बताऊँ, तो मैंने जो पहले बताया कि गानी फ्रेशिप एक लर्निंग प्रोग्राम है आपके लिए, ताकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी आ सके, आप ग्रोथ कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से आप कैसे स्कूल और हेल्प में आप चेंजेस ला सकते हैं, और आपका जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एक्चुअली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उसे बोलते हैं जहाँ हेल्थ और एजुकेशन का जो लेवल है, जो मेन लेवल होना चाहिए उससे वहाँ हल्का कम है, या फिर ऐसा कुछ। मैं एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं दे पा रहा हूँ, जब मैं ज्वाइन करूँगा मतलब हाँ। और आज वीडियो भी इसलिए आज बन रहा है क्योंकि मैं आज ज्वाइन लेता आज ही, सॉरी कल आया है कि मैं फाइनली हो चुका है। आई वॉज होपिंग कि झारखंड में ही हूँ, ताकि मैं घर से थोड़ा कॉन्टैक्ट बना के रखूँ। कहीं भी होता तो मैं 4-5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर रांची आ जाता, लेकिन उड़ीसा में हुआ है। तो आई वॉज लिटिल अपसेट कि मुझे रांची में, मैं मुझे झारखंड चाहिए था, क्योंकि पिछला बैच का जो भी झारखंड से एग्जाम दिया झारखंड में ही हुआ था। लेकिन सर ने बताया था रीज़न बिहाइंड दैट वॉज कि उस समय कोविड का सिचुएशन था, तो किसी को भी बाहर नहीं भेजा जा रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ दिक्कत उक्कत नहीं हो हेल्थ का, इसलिए उन लोगों को नहीं भेजा गया, क्योंकि इस वक्त वैसा कुछ कोविड का सीन नहीं है। तो दैट्स व्हाई इस बार, क्योंकि फेलोशिप का मेन कॉन्सेप्ट ही था कि आपको अपना स्टेज छोड़कर कोई दूसरा स्टेट और दूसरा कल्चर के पास जाके रहना और वहाँ काम करके दिखाना, वहाँ सीखना है। तो यार ये सीन था, तो मैं उड़ीसा में हुआ है, एंड आई होप सो कि अच्छा जगह हो। बुलाया गया है मुझे 18 जुलाई में, क्या 18 जुलाई का इंडक्शन होगा, और वहाँ पहले भुवनेश्वर जाएंगे हम लोग, कि वहाँ से पता चलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाना है। और ये 2 साल का प्रोग्राम है, तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो काम कर रही है वो ADC में कर रही है, वो मतलब एक्चुअली ADC प्रोग्राम रहता है एजुकेशन के लिए, मुझे मिला THC प्रोग्राम, वो है सॉरी हेल्थ के लिए है। सो या दैट वॉज द थिंग। एंड इससे पैसा दिन पहले मेरा बर्थडे भी था 23 मई को, उन हरामियों को इतना कर्ज देने का मन करता है, भाई है भाई है, इसलिए बर्थडे भूल गए हैं, दूसरे दिन हम जब पोस्ट लगा दे हाँ भाई भूल गए थे बर्थडे है ये वो, चले हटाते हैं। तो वो ब्लॉग अगर होगा तो मैं एडिट करके डालूंगा, वरना वैसे कुछ श्योर नहीं है। ये ब्लॉग मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि आपका छोटा मोटा ब्लॉग है। फाइनली अब मेरे पास जॉब आ चुका है, एंड आई कैन से आई एम एम्प्लॉयड नाउ, एंड हो सकता है मैं 1-2 दिन में अपने कॉलेज जाऊँ, अगर टाइम मिले तो मैं कॉलेज जाऊंगा, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि टीचर्स लोग से भी मिलना है, उन लोग का भी आशीर्वाद लेना है, क्योंकि उन लोग के बिना ये सब चीज़ नहीं हो पाता। एंड या द थिंग वॉज लाइक दैट ओनली, एंड आई एम रियली हैप्पी, एंड आ लिटिल बिट ऑफ प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये जॉब ले लिया। तो बस इसलिए मैं बिजी था, इसलिए मैं ध्यान कहीं नहीं था, ब्लॉगिंग से ध्यान हट चुका था, मैं जिम भी नहीं जा रहा था, मैं बहुत गंदा हाल हो चुका था, मैं 90 क्रॉस कर चुका था मैं वे बॉडी वेट। तो या अभी सब यही सीन है, एंड लेट्स सी जब जाएंगे वहाँ तो वो ब्लॉगिंग वापस शुरू होगा, मैं ब्लॉगिंग हो सकता है 1-2 दिन हम कहीं घूमने जाए तो वो आएगा। लेकिन ये वीडियो आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, और आप लोग के साथ शेयर करना एक है ना, आप लोग भी मेरा फैमिली है, तो इसलिए आप लोग शेयर कर रहा था। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा लंबी भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शायद पूरा डाल दूंगा, एडिट करने का उतना रहेगा नहीं। सो ये सब था इस वीडियो में, एंड मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा आज कल के यंगस्टर्स को, मेरे जैसे लोगों को जो हमें लगता है कि हम लोग को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम लोग के पास कुछ है नहीं, हम लोग के पास कुछ स्किल नहीं है, भाई और बहनों भाई कभी हार मत मानो। एक्चुअली तुम्हें पता भी नहीं कि तुम जो जिसकी पढ़ाई कर रहे हो तुमको उसी में जॉब मिलेगा या उससे बेटर जॉब मिलेगा, क्योंकि भाई ऐसा कोई जॉब नहीं जो आपको नीचे लेवल का मिले, मतलब कोई भी जॉब नीचे लेवल का नहीं होता,
तो हो सकता है आपको जो फील्ड है उसमें भी जॉब मिल सकता है, हो सकता है उससे बेटर फील्ड में भी जॉब मिल सकता है। भाई ये 2 साल के लिए मैं बस है एक्सपीरियंस कि मैं कुछ अच्छा चीज़ सीखूँ, जॉब करूँ और देखते हैं उसके बाद 2 साल बाद आके क्या पता क्या ही होगा। सो यहाँ आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड और क्या ही बोलूँ, बात करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे तो मैं आधा एक घंटा का ब्लॉग बना दूँ लेकिन वैसा वैसे क्या ही आप लोग बोर हो जाओगे, वैसे तुम लोग पूरा ब्लॉग तो देखते नहीं हो यार। सो यार आई होप अगर आप लोग ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करना, ये ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है और प्लीज़ शेयर करो, थोड़ा प्यार बांटो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आई होप सो मैं जल्दी से जल्दी वापस रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। अगर ब्लॉग्स नहीं भी आए तो जिम के रूटीन्स और जिम का जो शूटिंग होगा वो पक्का रहेगा। सो आई गेस आई सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड और एक सेकेंड आप लोग को अपना फ़ोन भी दिखाना, वो भी दिखाते हैं। मेरा फ़ोन वन प्लस 9 RT, ये मैंने नया ट्राइपॉड लिया था ज्वेलांसी का। साइनिंग ऑफ एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। बहुत अंग्रेजी पक ली है सो चलते, थोड़ा ध्यान रखना अपना और या सायोनारा।